शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को आखिरकार 8 दिन की रिमांड के बाद 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो वहीं उससे पहले 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई हुई, दोनों तरफ से दलीलें दी गई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट के अंदर ही जज एम के नागपाल ने संजय सिंह को फटकार लगा दी। अब ऐसा क्या हुआ जो जज को संजय सिंह को फटकार लगानी पड़ी, वो आपको बताते हैं। दरअसल गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में अब तक हुई तीनों पेशी में संजय सिंह ने लगातार मीडिया में बयानबाजी की। बावजूद उसके जब दूसरी पेशी के दौरान जज ने संजय सिंह को मीडिया में कोई भी बयानबाजी करने से रोका, उसके बाद भी तीसरी पेशी के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट के अंदर जाते हुए मीडिया में ये बयान दे दिया। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? अब संजय सिंह के इस बयान से पहले ही जज नाराज थे कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में संजय सिंह बोल पड़े कि ईडी ने 8 दिनों में 2-3 घंटे पूछताछ की है, एक इंसान से कन्फ्रंट करवाया, 1,00,000 डोनेशन दिया मैंने एक बीमार बच्चे को, उस पर सवाल किया, पूछ रहे हैं कि माँ से पैसे क्यों लिए, पत्नी को पैसे क्यों भेजे। ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। अडानी के घोटालों की शिकायत मैंने ईडी से की, उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जैसे ही कोर्ट के अंदर संजय सिंह ने अडानी की जांच की बात कही, जज साहब ने कोर्ट के अंदर ही संजय सिंह को फटकारते हुए कहा, अगर आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं या राजनीतिक भाषण देना चाहते हैं तो यहाँ मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी पेशी के लिए कहूंगा। हालांकि कोर्ट में फटकार लगने के बाद भी संजय सिंह नहीं माने और कोर्ट से तिहाड़ जेल जाने के लिए जब वो बाहर निकले तो एक बार फिर मीडिया में राजनीतिक बयानबाजी कर दी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से डरे हुए नरेंद्र मोदी जी, और इसी के लिए ये सब फर्जी झूठी कार्रवाई हो रही है। अडानी के घोटाले पर कार्रवाई नहीं होती, जो देश में देश को लूट रहे हैं भ्रष्टाचारी, उस पर कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल 27 अक्टूबर तक अब संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई भी अब 27 तारीख को ही होनी है। हालांकि इस बीच संजय सिंह जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, तो देखना ये होगा कि कोर्ट संजय सिंह को जमानत देता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।